तो लास्ट लेक्चर हम लोग देखा था हाइड्रोकार्बन में फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्केन, एल्किन और एल्काइन। लास्ट लेक्चर हुआ था एल्काइन पर बेस्ड। तो टोटल कितने नेम रिएक्शन हो गए बेटा, एक बार कोई नेम रिएक्शन रिकॉल कर ले। पहला कौन सा था बेटा, सेबेटिया सैंडरसन रिएक्शन। सेकेंड बच्चा लोग क्या था नेम रिएक्शन में, बोलो जल्दी। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना बेटा। थर्ड बोलते जाओ, सेबेटिया सैंडरसन रिएक्शन, कोल्बे स्मिट इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन, और कौन सा था बेटा, डीकार्बोक्सिलेज। कौन सा, डीकार्बोक्सिलेशन, ये बोल रहे हैं कुछ अजीब सुने, डीकार्बोक्सिलेशन। थर्ड क्या बोलते हैं, फोर्थ रिएक्शन वोर्ज फिटिक, सॉरी फिटिक तो अभी नहीं बताया है, उल्मान फ्रैकलैंड, ठीक है ना बेटा। ये तो एल्केन में था, एल्केन में कौन कौन सा था बेटा, या फिर एल्काइन में, बोलो जल्दी। तो ये हुआ था बेटा, इसके बाद फिर कौन सा रिएक्शन था सर, कोरे हाउस सिंथेसिस। हाँ ये तो छूट गया, कोरे कोरे हाउस सिंथेसिस। उसके बाद क्या था यार, कल के क्लास में क्लेमेंसन, वॉल किशनर, यही हुआ था बेटा। 10 तो हो ही गया, हो गया नेम रिएक्शन अब तक। और कुछ हुआ था क्या बेटा नेम रिएक्शन में, बस इतने ही नेम रिएक्शन हुए ना। तो सेबेटियर में क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन बाय NiH2 निकेल। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में सॉल्ट लेने पे एल्केन बनता है। डीकार्बोक्सिलेशन में CO2 ग्रुप बाहर होता है। वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम, एल्काइल हैलाइड प्लस कॉपर, एल्काइल हैलाइड प्लस जिंक। कोरे हाउस में एल्का हैलाइड प्लस गिलमान रेजिन। क्लेमेंसन में जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। वोल किस्म में NH2। इतना क्लियर है बेटा। तो टोटल 9 रिएक्शन हुए अभी इस चैप्टर में, अभी पढ़ना बाकी है बेटा। तो ये सभी 9 के 9 रिएक्शन याद हो गए बेटा सबको। इस कौन से रिएक्शन में कार्बन कार्बन में बॉन्ड, इनमें से कौन से रिएक्शन में जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता बेटा, इनमें से कौन सा रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता, एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनता, बताओ। इसमें CH3 रेडिकल बॉन्ड बनता है। डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। यहाँ पे क्या होता है सेबेटियर में बेटा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड तो पहले से बना हुआ है तो ये भी नहीं होगा। वुड रिएक्शन में भी कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा, उल्मान फ्रैकलैंड। कोरे हाउस में इस कार्बन और यहाँ के कार्बन के बीच बॉन्ड बनेगा। क्लेमेंसन में एलिमेंट अलग से कोई कार्बन आता नहीं है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनता इसमें। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड इनमें फॉर्म होगा, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलेगा जो एग्जाम वाले में प्रीवियस ईयर के। तो ये सब याद रखना है बेटा। इतने सारे रिएक्शन किए थे हम लोग, नेम रिएक्शन इम्पोर्टेंट है, नाम एकदम रटा होना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बच्चा लोग। तो एक एक करके करते हैं डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पहला, फर्स्ट कंबेशन ऑफ
हाइड्रोकार्बन या कंबेशन रिएक्शन ऐसा कर लो। तो एल्केन एल्किन और एल्काइन तीनों के कंबेशन से CO2 और क्या मिलेगा बेटा, वाटर, ठीक है ना। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कोई भी एक एल्केन CH4 लेते सिंपलेस्ट। एल्केन क्या होता है बेटा, C2H2 एल्काइन। इसका रिएक्शन कराओगे मतलब वॉट कंबसन करा रहे हो मतलब हीट कर रहे हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या मिलेगा बेटा यहाँ पे, जितने कार्बन है सब CO2 में चेंज और जितना हाइड्रोजन है जस्ट उसका हाफ अमाउंट ऑफ वाटर। बताया बेटा थर्मोडायनेमिक्स में इस रिएक्शन को बैलेंस करना, टू टाइम्स है कार्बन प्लस हाइड्रोजन हाफ टाइम्स, यहाँ पे टू टाइम्स कार्बन, टू का हाफ मतलब वन टाइम्स वाटर। कितने ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है बेटा फर्स्ट वाले में, टू और टू फोर, तो टू मोल, यहाँ पे टू टू फोर टू सिक्स थ्री मोल, यहाँ पे क्या होगा बेटा फोर और फाइव, फाइव बाई टू। इस तरह से रखना, तो कंबसन ऑफ कंबसन रिएक्शन में किसका होगा फॉर्मेशन बेटा, फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड वाटर बाय हाइड्रोकार्बन। जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबसन कराओगे तो CO2 बनेगा, तो इसका नेम नोट कर लेना। ये क्या बेटा मीथेन, ये क्या बेटा इथेन, और ये क्या बेटा इथाइन। जो प्रोडक्ट है वो याद रखना। तो कंबसन रिएक्शन क्लियर है बेटा। सेकेंड एडिशन रिएक्शन, इसके अंदर कुछ नेम रिएक्शन आने वाले इंपॉर्टेंट, ठीक है ना बेटा, एडिशन रिएक्शन। तो बेटा एडिशन रिएक्शन कौन देता है, एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाया ना बेटा, एल्केन एल्किन या एल्काइन तीनों में से कौन देगा बेटा, तीनों देंगे या तीनों नहीं देंगे या कोई दो देगा कोई एक देगा, बताओ ये जल्दी। एडिशन रिएक्शन कौन देगा बेटा, मैकेनिज्म पढ़े हो एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, कौन देता है बेटा एडिशन रिएक्शन, एल्कीन, पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, जिसके पास पाई बॉन्ड होगा वही देगा। तो पाई बॉन्ड किसमें होता है बेटा, एल्किन और एल्काइन, या कह सकते हो अनसेचुरेशन जिसमें होगा वो एडिशन दे सकता है, ठीक है ना बेटा। तो पाई बॉन्डेड कंपाउंड ही एडिशन देंगे, ठीक है ना, बिना पाई बॉन्ड का तो कोई देगा नहीं। अब कुछ पाई बॉन्ड वाले नहीं देंगे तो उनमें कुछ अलग फैक्टर होगा जैसे एरोमेटिसिटी ये सब। तो एडिशन रिएक्शन तो नोट कर लेना बेटा, ओनली पाई बॉन्डेड कंपाउंड, ओनली पाई बॉन्डेड कंपाउंड गिव्स एडिशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल बेटा कौन देगा बेटा, एल्किन एंड एल्काइन, ठीक है ना बेटा। ओनली पाई बॉन्डेड कंपाउंड गिव्स एडिशन रिएक्शन, तो इसमें केस वन, एडिशन रिएक्शन ऑन एल्किन इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इनके मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है बेटा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ मैकेनिज्म भी बताएंगे। तो फर्स्ट मार्कोनी कॉफ मार्कोनी का रिएक्शन, ठीक है ना बेटा, यहां तक नोट करो, इसको इधर से करते हैं नोट, ठीक है ना, यहां तक नोट करो। केस वन बात यारा ने बोलते हैं,
फर्स्ट है मार्कोनी को एडिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है बेटा, अकॉर्डिंग टू इट द एडिशन ऑफ पोलार कंपाउंड, एडिशन ऑफ पोलार कंपाउंड ऑन एल्किन द नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलार कंपाउंड अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल एल्केन अनसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल एल्केन। अकॉर्डिंग टू इट द एडिशन ऑफ पोलार कंपाउंड ऑन अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल एल्केन द नेगेटिव पार्ट negative part of polar compound goes to least hydrogen containing unsaturated carbon and positive part goes to more hydrogen containing unsaturated carbon of unsymmetrical alkene। ये था मार्कोनी कार्ब्रोल का स्टेटमेंट। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब समझ रहे हो बेटा क्या टर्म्स का मतलब क्या चीज वहां पे बोलना चाह रहा है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मीनिंग समझ रहे हो बच्चे लोग? बेटा सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में जीआई में बता चुके हैं, हम हमेशा बताते रहे बस, अब पूछे कुछ भी नहीं ना, ये सही है ना बेटा? टीचर हमेशा बोलते रहे बताते रहो और तुम लोग हमेशा बोलते रहो। क्या होता है बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन? ये भी ऐसा कोई बड़ा चीज है बेटा जिसको याद ही नहीं रखा जा सकता? बेटा सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल किस टर्म से रिलेटेड है बेटा? बंटवारे से रिलेटेड है। जहां पे बंटवारा बराबर हो गया तो सिमेट्रिकल, नहीं हुआ तो अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है बेटा? कार्बन, तो अगर कार्बन पे चार वैलेंसी रहता तो बेटा ऐसा एल्कीन जिसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता है डबल बॉन्ड से। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करोगे तो एक साइड डबल बॉन्ड जाएगा या एक साइड CH3 वाला ग्रुप जाएगा, तो टू इक्वल हाफ नहीं मिलेगा, थ्री हाइड्रोजन एक साइड टू हाइड्रोजन। तो ऐसा एल्कीन कहीं से 20 से कट कर रहे तो टू इक्वल हाफ ना दिखे तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इतना छोटा सा टर्म से उसको भी याद नहीं रख पाते बच्चा तुम लोग, और सपने बड़े बड़े कि हमको डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करेंगे, और ये सब क्या चीज है बेटा बताओ? डिवाइड करना, इक्वल हाफ मिलना, ये सब नहीं याद रखने वाली बात है बेटा। इसके पीछे एकदम कौन सा एकदम साइंटिफिक रीजन है कि बेटा बरसों लगेंगे समझने में? यहाँ से काटे बेटा, इधर का पार्ट अलग, इधर का पार्ट अलग, दो बराबर हिस्सा नहीं हुआ, मतलब अनसिमेट्रिकल जहां पे हो गया सिमेट्रिकल। इतना सा बेसिक सा चीज है बेटा, बेसिक चीज भी नहीं, हर चीज रटोगे तो कैसे काम चलेगा?
जहां रटने के लिए बोलते हैं वहां रट ही नहीं रहे बेटा, बोल रहे एजेंट एकदम रट लो, घोल के पी जाओ, याद कर लो क्या क्या यूज है, वो नहीं हो रहा है। और जहां नहीं रटना है वहां रटे पड़े हो। तो ये अनसिमेट्रिक है। पोलार कंपाउंड क्या होता है बेटा? पोलार कंपाउंड क्या होता है? हाँ डाइपोलमेंट होगा, वेरी गुड बेटा। कम से कम चलो कम से कम इतना तो कुछ याद है, अच्छा लगा सुन के। तो जैसे कि HBR मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा बेटा। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होगा बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो अब स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ पोलार कंपाउंड गोज टू लिस्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे बेटा ये अनसेचुरेटेड कार्बन ना, लिस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग अनसेचुरेटेड कार्बन। यहाँ पे अनसेचुरेटेड कार्बन मतलब कौन सा कार्बन है बेटा? डबल बोन से बॉन्डेड, ठीक है ना बेटा? अनसेचुरेटेड मतलब डबल बोन्ड बेटा, डबल बोन्ड या ट्रिपल बोन्ड, तो डबल बोन्ड से बॉन्डेड कार्बन अनसेचुरेटेड है। तो हाइड्रोजन ए के पास, ए और बी में किसके पास बी आर जाएगा बताओ बेटा? ए में बी आर, और इस साइड क्या जाएगा बेटा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो ये बेटा बोर्ड के लिए है, यहां से यहां तक जो स्टेटमेंट है वो बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है ना? बोर्ड में अगर आया मार्कोनी का, अब बोलेगा सर ये तो 11 का टॉपिक है, तो कैसे आएगा? आएगा बेटा फॉर्मेशन मेथड ऑफ एल्कोहल में या फॉर्मेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स में, ये टर्म्स यूज होता है, ठीक है ना बेटा? तो याद रखना इस चीज को। तो ये हेलो एल्केन्स, हेलो एलिन्स और एल्कोहल वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन आएगा, तो वहां उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, ठीक है ना बेटा? बस रिकॉल कराऊंगा, स्टेटमेंट भी नहीं। तो बेटा ये कौन सा है? प्रो डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और ये क्या है बेटा? टू ब्रोमो प्रोपेन। इस तरह से ये बोर्ड का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स स्टेटमेंट, 1 मार्क्स इक्वेशन, सॉरी हाफ मार्क्स इक्वेशन और हाफ मार्क नेमिंग का। तो ये मार्कोनी कॉफ एडिशन रिएक्शन हुआ। बट बेटा ये ऐसा हुआ क्या, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना है, हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना बेटा? कि यहाँ पे कम है तो यहीं पे जाएगा नेगेटिव पार्ट, ऐसा नहीं है। मार्कोनी का अपने कुछ स्टूडेंट के लिए मतलब हम लोग के जैसे कुछ, मेरे जैसे कुछ दिमाग से कम होंगे तो उनके लिए बताया कि भैया ऐसा ऐसा रट लो और ऐसा कर लेना, आंसर आएगा सही। बट एग्जाम में ये इस तरह का अप्रोच लगाओगे तो शायद इन मतलब करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट हो सकता है। इसके पीछे का मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तो मैकेनिज्म तुमको याद रखना है। नहीं याद रखोगे तो मैकेनिज्म के बाद जो फाइनल कंक्लूजन मिलेगा वो। तो यह इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जल्दी से पेज पलटाओ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में होता है क्या मुझे देख के बताओ पहले। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट क्या बनता है जल्दी से बताओ बेटा? एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखो, इंटरमीडिएट क्या बनता है वो बताओ मुझे। क्या बनता है बेटा वहां पे? कार्बो का टाइम दिख गया। तो हमारा रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड होगा बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो का टाइम, ठीक है बच्चा लोग? सबको दिख गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो का टाइम। तो निक्लोफाइल कैसे बनेगा बेटा? एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या निक्लोफाइल, उनके प्रेजेंस में बोन का शिफ्टिंग होगा। इसके पास अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये बोन यहाँ शिफ्ट हो सकता है इस कार्बन के ऊपर, या इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है बेटा, दोनों में कौन सा करेक्ट है वो देखना। CH3 CH
CH2, CH3, CH, CH2. यहां से प्रथम नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव। तो दो कंडीशन बना है, पहला ए कंडीशन एंड बी कंडीशन, दोनों में कौन सा बेस्ट है वो देखना है बेटा। तो ए और बी को बेस्ट देखने के लिए बेटा यहाँ पे हमारा स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड है बेटा, ये कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन कौन सा है बेटा यहाँ पे, प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। कार्बोकेटायन कौन सा है, प्राइमरी। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा, ए वाला कंडीशन या बी वाला? ए वाला। ए वाला, ठीक है ना बेटा। चलो कंडीशन कौन सा ज्यादा सुटेबल है, ए वाला, ये मोर स्टेबल, ये वाला रिएक्शन नहीं फॉलो करेगा, ये वाला पाथ। क्लियर है बेटा? अब थर्ड स्टेप में रिएक्शन विथ इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या बना बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा H+ आयन। इस पर अटैक क्या क्या मिला बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज CH3, मीडियम में अभी Br- आयन है बेटा, यहाँ पे क्या मिलेगा CH3 CH2, इसको H ऐसा कर लेता ना, H, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा Br, तो बना वही वाला शेष। तो इतना सारे तामझाम को उन्होंने वर्ड में कन्वर्ट करके, मतलब एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके बोल दिया, ताकि कई लोगों का दिमाग कम काम करता हो तो ऐसा कर लेना बेटा, कम हाइड्रोजन है नेगेटिव भेज देना वहां पे, ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे पॉजिटिव, ठीक है ना बेटा। तो याद रखने का सिंपल सा तरीका बेटा, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, जनरली जितना हाइड्रोजन उतना पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव, नेगेटिव के पास नेगेटिव, ऐसा कुछ टर्म्स बना सकते हो बेटा। क्लियर है? तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ गया बेटा, जहां पे हाइड्रोजन जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो पॉजिटिव जहां जाता है वहीं पॉजिटिव, नेगेटिव जहां नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखने के लिए ठीक है, बट आपका इनसे काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पे ओवरऑल जो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, कार्बोकेटायन कौन सा बन रहा है, दिमाग में बैठा बेटा, जहां पे कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन उस जगह पे होगा। तो एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा, नीट में, बोर्ड में ये कॉन्सेप्ट से। तो बोर्ड के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बेटा, अच्छे मार्क्स आते हो तो इस तरह से रिटर्न में आना चाहिए करने, कर लोगे सब कोई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? Yes, sir. आज एक और नया रिएक्शन सीखे मार्कोनी का, नेम रिएक्शन के लिस्ट में एक रिएक्शन अपडेट करोगे, तो जल्दी से बेटा छापो पहले इसको। तो तुमको अब सब में देखना है, आपने खुद से दो पॉसिबिलिटी बनाना है, जहां पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड को या तो राइट में शिफ्ट करो या फिर लेफ्ट में शिफ्ट करो, और फिर देखो कार्बोकेटायन कहां ज्यादा स्टेबल बन रहा है। और कई बार एक स्टेप और आगे भी देखना पड़ता है, कार्बोकेटायन तुम बना रहे हो लेकिन उसके बाद एक रीअरेंजमेंट भी होता है। मैंने बताया बेटा जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो एक बार रुको, एक गिलास पानी पियो और देखो कार्बोकेटायन और स्टेबल हो सकता है कि नहीं। पानी इसलिए पीने के लिए बोल रहे हैं बेटा क्योंकि दिमाग शांत होगा तो और अच्छे से काम आएगा। तो जब भी कार्बोकेटायन बने उसके बाद एक और चांस मिलता है कार्बोकेटायन को स्टेबल होने के लिए, जैसा लाइफ में हर किसी को बोलते हैं ना डबल चांस मिल सकता है, तो वैसे कार्बोकेटायन को भी एक और चांस मिलेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो अगर ये सेकेंडरी बना है तो शायद सेकेंडरी से टर्शरी या फिर रेजो के साथ आ सकता है, मतलब रेजोनेंस के साथ, ठीक है बच्चा लोग, देखेंगे उस टाइप का भी। पहले छापो जल्दी यहाँ तक, यही एडिशन रिएक्शन में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है बेटा, इसके अंदर बहुत सारे मतलब 2-3 रिएक्शन और है।
अगर बेटा ये 11th मतलब ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, हेलो एल्केन्स कर लेते हो चैप्टर, तो बेटा फिनॉल चैप्टर पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, बस हाइड्रोकार्बन और हेलो एलेन मतलब एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है, हेलो एल्केन्स हेलो एलेन्स वाले चैप्टर से कंप्लीट हो जाता है पूरा। और एल्डिहाइड वाला चैप्टर पढ़ लेते हो तो अमीन्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता। मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है बेटा ऑर्गेनिक में, हाइड्रोकार्बन, सेकंड हेलो एल्केन्स हेलो एलेन्स और थर्ड एल्डिहाइड कीटोन वाला। इनमें जितने भी रिएक्शन आने वाले हैं ऑलमोस्ट वही रिएक्शन मिलेंगे आपको पूरे चैप्टर में, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिक्स करोगे तो दो चार पांच, चार पांच ज्यादा हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं अगस्त कंप्लीट होते होते तुम्हारा ऑर्गेनिक कंप्लीट, उसके बाद फिर फिजिकल स्टार्ट होगा पार्ट वन से। और फिजिकल में भी ज्यादा से ज्यादा 15 दिन लगेगा एक चैप्टर को 12th में, मतलब 2 हफ्ता 2 वीक के अंदर हर फिजिकल चैप्टर कंप्लीट। तो कितने फिजिकल है बेटा, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स एक सरफेस सरफेस केमिस्ट्री 5, तो 2.5 महीने के अंदर। चलो 3 महीना भी, मतलब तुम्हारा दिसंबर तक किसी भी हाल में कोर्स हो ही जाएगा। इनऑर्गेनिक चैप्टर बड़े हैं नहीं, बस कोऑर्डिनेशन ही बस थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब तो एक हफ्ते का भी काम नहीं है। पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो डी और एफ भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना बच्चा लोग। जो भी टाइम लगता है बेटा हम जब पढ़ाते हैं तो जीओसी में लगता है, क्योंकि वही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज्यादा लंबा लेके जाए चल जाते हैं उस चैप्टर को। छाप लिए सब बेटा, छापे सब, हाँ या ना कुछ तो बोलो ना। यस सर, ऐसा बोलने वाला है। चलो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे इससे देखो, मैकेनिज्म फर्स्ट सेकंड हो गया, ठीक है। तुम लोगों को इस पहचानना है किसमें कार्बोकैटायन मतलब कौन सा शिफ्टिंग ज्यादा पॉसिबल है, तो नोट करके ठीक है। CH3 CH double bond CH PH, ठीक है। कार्बोकैटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल है ये देखना बेटा, इसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी है, दिमाग में चलना चाहिए बेटा, इसी तरह से इसमें सॉल्व करना है। दोनों पॉसिबिलिटी बताओ और दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है वो देखो, फर्स्ट CH3 CH double bond CH OH, इसी टाइप से मिलता जुलता कुछ कंपाउंड ऐड करेगा बेटा, बता देते हैं पहले ही, मार्कोनिक ऑफ में या जहां पे भी कार्बोकैटायन बनता है।
एग्जाम में कुछ ऐसे ही कंपाउंड मिलेंगे आपको। तो बेटा सब में कार्बन कटायन दो दो बनेंगे बेटा, दो अलग अलग पॉसिबिलिटी, कौन सा पॉसिबिलिटी करेक्ट है तुमको यही आइडेंटिफाई करना है। जो बच्चे ये आइडेंटिफाई कर लिया तो समझो वो मार्कोनी का रिएक्शन कभी करेक्ट मतलब इनकरेक्ट नहीं करेगा, हमेशा करेक्ट होता रहेगा बेटा। तो बताओ बच्चा लोग, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सा सब में और कौन ज्यादा स्टेबल है? सब बना के देखो बेटा, हम तो बस अभी बाद में बनाएंगे। कार्बो कैटायन देखना, कार्बन आयन नहीं, क्या देखना सिर्फ कार्बो कैटायन। बना के देखो बच्चा लोग सबको, और जल्दी से बताओ कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा स्टेबल है। तब तक हम जैसा कंपाउंड है वैसा बना लेते कुछ। मार्कोनी का आपका क्वेश्चन आया ना बेटा, तो जैसा भी ये नोट के अंदर बना रहा हूँ उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा, बता देते हैं, उससे अलग नहीं। हो सकता कॉपी पेस्ट ही क्यों ना हो जाए कंपाउंड का। जितना हम बता रहे हैं उतना कर लोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कोई सा भी कन्वर्जन कैसा भी है सब तुरंत बनेगा आप लोग से। लेकिन उतना करोगे तब तो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है बेटा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस यही तो करना है बेटा। एक साइड प्लस, एक साइड माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो किसमें कार्बन का आयन सबसे ज्यादा स्टेबल बना है बेटा? फर्स्ट वाले में ऊपर वाला कंडीशन है, नीचे वाला फिर बी 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 वेरी गुड। ठीक है ना, यहाँ कार्बन कटायन क्या है सेकेंडरी, यहाँ भी सेकेंडरी, लेकिन सेकेंडरी के साथ साथ क्या है बेटा सेकेंडरी विथ कॉन्जुगेशन। हाँ मतलब कॉन्जुगेशन, चलो वो भी कर सकते हो विथ कॉन्जुगेशन। बहुत बढ़िया बेटा, ये सब दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हो। मतलब सेकेंड में अलग क्या है वो देखो बेटा, ये कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है बेटा अलग क्या है, बस वो देखो सब दिख रहा है, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे भी OH, लेकिन फर्क क्या है, ये पेरा है और ये कौन सा है बेटा, पेरा और ये मेटा। इस मेटा पेरा से भी कुछ होता है बेटा, तो कार्बन कटायन किसमें ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाले में। यहाँ पे बी, गजब है, यहाँ पे भी क्या होगा बी, क्योंकि मेटा के साथ कॉन्जुगेशन होता है, ये ओआर ग्रुप है ना बेटा, ओआर बोलता हूँ, प्लस आर ग्रुप है, तो ये कॉन्जुगेशन में आएगा कि नहीं आएगा बेटा, रेजोनेंस में आएगा, मेजोमेरिक में आएगा ना बेटा, यहाँ पे मेटा पोजिशन पे स्टेबल नहीं है। ठीक है ना, तो बेंजाइलिक, ठीक है, विथ प्लस आर, एट पेरा,
तो पैरा पे ही ना होता है कॉन्जुगेशन बेटा। थर्ड वाले में, थर्ड वाले में क्या होगा बेटा, एक साइड ओएच लगा है, एक साइड एनओ टू लगा है, तो कौन सा रूप है बेटा? ये प्लस आर है और ये माइनस आर, कौन सा होगा आंसर? यहाँ भी बी वाला बेटा, हमने सब बी बना दिए, क्या गलती? चलो बी में क्या बेटा, बेंजाइलिक विथ प्लस आर। थर्ड फोर्थ वाले में नहीं, यहाँ पे तो ए है, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे कौन सा होगा ए, समझ में आ रहा बेटा? सेकेंडरी कार्बन के आयन यहाँ पे ये ग्रुप है विथ प्लस आई, विथ प्लस आई, ठीक है बच्चा। चलो यहाँ पे थर्ड वाले में ऊपर वाला ही सेकेंडरी कार्बोकेटायन, क्लियर बेटा? खैर सेकेंडरी यहाँ भी बन रहा है, सेकेंडरी यहाँ पे, फिर भी ये ऊपर वाला ए क्यों करेक्ट होगा बेटा, क्यों करेक्ट होगा बेटा? दोनों में सेकेंडरी है, इधर थ्री टाइम्स हाइपर कॉन्जुगेशन है बट इधर तो ऐसा नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि ए वाला ही करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन को सेकेंड चांस मिलेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है ना? ये तो बनाया कार्बोकेटायन, ये स्पेशल है बेटा लास्ट वाला एक क्वेश्चन, सेकेंड चांस वाला, कार्बोकेटायन का सेकेंड चांस देखो बेटा कैसे स्टेबल होता है। तो कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है कि नहीं मिलता बेटा, मिलता है कि नहीं मिलता है कार्बोकेटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन? तीन ही चीज में तो होता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, एल्केन, सॉरी एल्केन बोलता है, एल्केन कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है मुन्ना बताओ, कौन कहाँ जाता है बेटा? हाइड्रोजन कार्बन एक दूसरे को चेंज कर लेते हैं लोकेशन को, ऐसे ही कुछ है ना बेटा, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है ना? हाइड्रोजन के जगह पे पॉजिटिव, पॉजिटिव के जगह पे हाइड्रोजन, तो जब पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एक दूसरे का अदला बदली कर ले, डबल बॉन्ड एक दूसरे का अदला बदली कर ले या ऑड इलेक्ट्रॉन, तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या होगा यहाँ पे CH3, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो कहाँ मिलेगा जी, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे भी CH2, CH नेगेटिव, CH3। अब देखो भैया कार्बोकेटायन क्या है, टर्शरी, ठीक है, विद कितने हाइड्रोजन है बेटा, अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, 3, 3, 6 और यहाँ का भी 2 होगा ना जी, 3 + 3 + 2 = 8 दिखा बेटा। तो ये याद रखना बेटा, कई लोग बस बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, अरे सर पॉजिटिव चार्ज हो गया स्टेबल अब तो हमारा काम खत्म ना बच्चा, जब भी कार्बोकेटायन बने तो एक बार और उसको रीअरेंज कर सकते हो। आप बोलोगे सर यहाँ पे कैसे रीअरेंज होगा, तो बेटा कार्बोकेटायन जो है ना अपने आप को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन को ही शिफ्ट नहीं करवा सकता, एल्काइल ग्रुप को भी शिफ्ट करवा सकता है, किसको शिफ्ट करवा सकता है बेटा, एल्काइल ग्रुप को। तो कैसे शिफ्ट कराएगा बेटा, इधर का ये जो CH3 है तीनों में से कोई एक इस साइड और ये अदला बदली कर लेंगे बेटा एक दूसरे से, तो कहाँ मिलेगा जी यहाँ पे CH3। तो ध्यान देना बेटा जगह कम था उसी में सब बता रहे हैं तो थोड़ा सा कचड़ा हो गया है वहां पे, बट ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा, ये वाला यहाँ पे गया। अब देखो यहाँ पे टर्शरी बन गया ये विथ अल्फा हाइड्रोजन की बात करो तो बेटा कितना हो गया भाई, 7, 3, 3 + 1 समझ में आया बेटा। तो ये लास्ट के दोनों एग्जांपल है ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें HBr अगर मैं ऐड करवाता तो यहाँ पे H और Br पता चल जाता ना बेटा कहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इस तरह से सभी को ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर है बेटा?
मार्कोनी कप में एग्जाम के क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको। तो स्टेबल कार्बन का टाइम बनाना है, कार्बन का टाइम जब भी एक बार बॉन्ड तोड़े पॉजिटिव चार्ज लगाए तो उसका रुकना है थोड़ा सा, ठीक है ना। रुक के क्या करना है बेटा, जिसको एक गिलास पानी पीना पी लेना, दो गिलास पीना दो किलो पीना, लेकिन दिमाग को ठंडा रख के ये सोचना ये जो बचवा है हमारा कार्बन कटायन इसको स्टेबल कैसे करें, ठीक है ना। ये जो कार्बन कटायन इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन को उठा के फेंक देना है इसके जगह पे, या किसी एल्काइल ग्रुप को इसके जगह पे लाकर पटक देना है। तो दोनों में से कोई एक करना है। अगर जो बच्चा ये करता है तो मार्कोनी बाबा से प्रसन्न होकर बोलेंगे तथास्तु और उसका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, नहीं तो फिर हाई लगेगा मार्कोनी कप का, ठीक है बेटा। क्लियर है, दिमाग में गया कुछ, ये सब दिमाग के परे है। हाँ जल्दी से छापो। तो बोर्ड के लिए देखो कितना सिंपल है ना, तीन लाइन चार लाइन का स्टेटमेंट याद रख लो, एक एक क्वेश्चन, बोर्ड का काम हुआ कंप्लीट। लेकिन नीट के लिए बेटा उस मार्कोनी कप के अंदर क्या क्या चीजें छुपा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कटायन। तो बेटा तुमको रिएक्शन से, नेम रिएक्शन से पता चल जाएगा प्रोडक्ट बनेगा क्या, कौन सा चीज कहाँ पे जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बेस्ट कौन है वो कौन बताया बेटा, जीओसी के अंदर पड़े थे कार्बन कटायन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसलिए बोलते हैं सब चीजें केमिस्ट्री में लिंक होता है, जीओसी वन से लेकर जीओसी टू तक, लास्ट में नेम रिएक्शन और रिएजेंट। तो जो बच्चा इन चारों को ध्यान में रखता है ना बेटा तब होता है। नेम रिएक्शन पता है तो तुमको पता है नेगेटिव पॉजिटिव बनाना और ऐड करना है, लेकिन कौन बेस्ट पॉजिटिव और कौन नेगेटिव है उसका आइडिया कहाँ से मिलेगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। क्लियर है सभी को, इसीलिए बोल रहे हैं एक शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है ना। जब भी हम क्वेश्चन करवाएं बोले वहां पे रेजोनेंस है ये टॉपिक है, तो वहां का पेज पलटाने में ज्यादा टाइम ना लगे, तुरंत उसको देख लो। तो वैसे क्या होगा बेटा, दिमाग में एक दो चीजें और एक्स्ट्रा दिखेंगी, पेज पलटाओगे और ये तो दिखेगा ही, तो आपको याद होते जाएगा कौन सा चीज कहाँ से लिंक हो रहा है। और जो लोग बना रहे होंगे उनको याद भले ना हो, लेकिन जब पेज पलटाने का बोल रहे हैं तो उनको तुरंत दिख ही जा रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बेटा, मिल रहा है ना वो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया गया करके, भले डिटेल में ना दिखे लेकिन दिख तो रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं शॉर्ट नोट बनाओ। जैसे अभी एक पूछा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट कहाँ होता है, एक बच्चे बताए कार्बन कटायन, और उस बच्चे को गौर कर रहे हैं वो जब से ऑर्गेनिक पढ़ रही है भले थोड़ा कम समय में आता लेकिन कुछ ना कुछ आंसर जरूर देती है वो, बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस उसी का आवाज सुनाई देता है और एक आयुष का, बाकी सब तो सो रहे हैं, ख्याली पकाव बनाए, मौसम का मजा ले रहे हैं, बरसात हो रहा है सर बाहर, घर में मस्त ठंडी है, चादर ओढ़ के हम लोग बिस्तर पर लेट के पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मोबाइल भी गिर जाता है ऐसे कि अचानक याद आता है सर केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है पढ़ना है करके, ऐसे ही हो रहा है ना। क्यों बेटा रिया नहीं बोल रहे कि नहीं बोल रहे? अरे हमारे मानकापुर के गोलू मोलू वाला बालक कौन था है? याद ही नहीं आ रहा, सुबह कौन सी आज का क्लास में नहीं रहता है क्या, वो क्लास त्याग दिया है क्या सुबह है तो बेटा सुबह पता नहीं सर। अच्छा पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है, नोट कर लिया सब कोई, तो बन जाएगा ना बेटा सब में एच बी आर कहाँ पे ऐड होगा क्या होगा, सबको क्लियर है बच्चा लोग? अगर यही ऐसा रहता तो सी एच थ्री सी एच डबल बोर्ड सी एच सी सी एल थ्री, सब बच्चा लोग नहीं इधर कर लेते हैं एक सेकंड, तब कार्बन कटायन कहाँ बनता एक ये भी नोट कर ही लेते ना, सी एच टू डबल बोर्ड सी एच सी सी एल थ्री, तो कार्बन कटायन कहाँ बनता है बेटा, इसमें दो पॉसिबिलिटी कौन सा होता, सी सी एल थ्री
सी एच पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, सी सी एल थ्री सी एच सी एच टू नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। कौन सा ज्यादा स्टेबल है बेटा, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा स्टेबल है बेटा? सी सी एल थ्री कौन सा ग्रुप है बेटा? माइनस आई, ठीक है ना। तो कार्बन का आयन माइनस आई से स्टेबल होगा जी? नहीं। तो ये स्टेबल कंडीशन है, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा यहाँ पे मार्कोनी का आपका स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा ना। मार्कोनी का कहता है जहां नेगेटिव चार्ज कहाँ बनता है बेटा, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा हो, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हुआ, इसलिए बोल रहे हैं मार्कोनी का रूल बस बोर्ड के लिए अच्छा है, ठीक है ना, स्टेटमेंट उसका। बट एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था बेटा, ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी बार बार देखा तो उन्होंने एक जगह स्टेटमेंट बना के उसको कन्वर्ट कर दिया, मतलब उस जो थ्योरी मतलब जो भी रिएक्शन का मैकेनिज्म था उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। बट हमेशा ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगा, करेक्ट कब होगा, जहां पे स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन सब में, क्लियर है बेटा। तो उसमें स्टेबल कंडीशन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, रब कर दो। रब करो ना बच्चा लोग, मार्कोनी कप में टाइम लग गया यार। तो क्लियर है सबको मार्कोनी कप बच्चा लोग? जैसे पोलार कंपाउंड चाहे बी आर हो एच बी आर हो, सब समझ आ गया ना बेटा। सेकंड था मार्कोनी कप के बाद, हाइड्रोबोरेशन, ये तो होगा भी नहीं यार कंप्लीट। कौन सा ही स्टार्ट करते हैं, एंटी मार्कोनिक आप कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा एंटी, नाम से पता चल रहा है बेटा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो मार्कोनिक ऑफ में जहां नेगेटिव जाता था वहां पॉजिटिव जाएगा, जहां पॉजिटिव जाता है वहां क्या जाएगा बेटा, नेगेटिव। ये किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, परऑक्साइड, ठीक है ना, इस परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसे बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट। तो खराश नहीं दिया तो इसलिए बोलते हैं खराश इफेक्ट, साइंटिस्ट का नाम है, गले में खराश था उसके, इसलिए इसके माँ बाप ने उसका नाम खराश रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एक्चुअल में है ये खराश इफेक्ट, ठीक है ना बेटा, परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये इसका जो प्रोडक्ट है अपोजिट होता है मार्कोनिक का, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिक आप ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि मार्कोनिक आप ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिक का परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, इसमें क्या होगा बेटा, जस्ट उल्टा। तो जब एट द टाइम एडिशन ऑफ पोलर कंपाउंड, एट द टाइम एडिशन ऑफ पोलर कंपाउंड एट द टाइम एडिशन ऑफ पोलर कंपाउंड पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाता था बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ एट द टाइम एडिशन ऑफ पोलर कंपाउंड कहाँ पे, ये तो लिखना पड़ेगा ऑन अनसिमेट्रिकल एल्किन, एल्किन एट द टाइम एडिशन ऑफ पोलर कंपाउंड ऑन अनसिमेट्रिकल एल्किन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। वहां पे स्टेटमेंट में देखो बेटा क्या था, पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, पॉजिटिव कहाँ जा रहा था बेटा, लिस्ट हाइड्रोजन के पास या मोर हाइड्रोजन के पास, मोर हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे लिस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग लिस्ट हाइड्रोजन एंड मोर हाइड्रोजन containing unsaturated carbon of alkene respectively,
ठीक है ना बेटा। तो जस्ट उसका उल्टा डेफिनेशन हुआ ना बेटा, स्टेटमेंट डेफिनेशन ही बोलेंगे स्टेटमेंट। तो ये एच बी आर, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो एच बी आर कहाँ जा रहा था बेटा बताओ, एच बी आर में एच कहाँ जा रहा था बेटा, जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। एच कहाँ पे जा रहा था, उल्टा कर लिया, एच कहाँ पे जा रहा था बेटा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के पास जा रहा था, ज्यादा हाइड्रोजन के पास मतलब पॉजिटिव पार्ट। तो एच पॉजिटिव है तो कहाँ जाएगा बेटा बताओ, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, इस जगह पे जहां पे हाइड्रोजन क्या है कम, और नेगेटिव कहाँ है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये था एंटी मार्कोनिक का, किसके प्रेजेंस में होता है बेटा, परऑक्साइड H2O2 या कुछ भी बेंजीन परऑक्साइड। नोट ओनली HBr गिव्स एंटी मार्कोनिक कॉफ रिएक्शन, ठीक है बच्चा। चलो इसे क्या रखना, सिर्फ HBr ही देता है एंटी मार्कोनिक कॉफ और कोई नहीं। HBr में ही सिर्फ क्रॉस इफेक्ट मिलता है, परऑक्साइड इफेक्ट। तो आज दो नेम रिएक्शन एक्स्ट्रा ऐड हो गया बेटा, टोटल 9 था, 9 के बाद दो ऐड हो गए तो 11। क्लियर है बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है ना। बाय बच्चा सभी को। सर हाँ बेटा, सर जो आपने शॉर्ट नोट बनाने बोलते ना वो बना के फिर से भेजने के, जैसे अभी नए रीजेंट्स ऐड हुए वो नहीं, अब ऐड करते रहो बाद में, अब जब ना चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ना उसके बाद नेम रिएक्शन कर लो, उसको रहने दो। ओके, अब तो ऐड कर ही लोगे, जो एक बार बनाना स्टार्ट कर दिए तो वो तो बनाएंगे ही, मुझे मालूम है। बेटा जितने लोग भी शॉर्ट नोट बना के भेज दिए हो ना, तो शाम से, ठीक है ना, एक बार सर जिसका भी चेक हो गया नहीं चेक हो गया है, एक बार मुझे फिर से वो मैसेज को भेज देना ना, कहना आप सबका नेम नोट करना है, तो किसी का छूट गया तो फिर दिक्कत होगा ना, ठीक है ना बच्चा लोग। वही वाले फिर से भेजू ना? हाँ वही, मतलब हाय हेलो करके ऐसे जो भी है सर मेरे नोट चेक कर लीजिए, जैसा जो भी है टाइप कर देना, बस मुझे देखना है जो जो भेजे हैं, ठीक है ना बेटा। बस अपना नेम लिख के भेज देना, सर मेरा नाम ये है, बस इतना कर देना सेंड, तो उससे पता चल जाएगा, मैं चेक कर लूंगा सबको। नेम ही लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, तुरंत मुझे दिख जाएगा वो नाम, फिर आराम से बैठ के मैं चेक कर लूंगा जिसने जिसने भेजा है, ठीक है बच्चा लोग। यस सर, ठीक है, बाय बच्चा लोग। बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय बेटा।